हैज हेलो रोवन एंड वेलकम टू द चैनल सो आई एम ऑफ इंड आस्ट अबाउट दिस क्वेश्चन दैट इफ़ आई डोंट हैव रिसर्च एक्सपीरियंस इफ आई हैव नॉट डन एनी प्रोजेक्ट इन माई मास्टर्स एंड इफ आई डोंट हैव एनी प्रॉपर रिसर्च एक्सपीरियंस इन माई मास्टर्स सो इज़ इट लाइक इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू गो इन टू रिसर्च अगर मेरे पास मास्टर्स में मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया है मेरे पास प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मैं रिसर्च या पी एच डी कर सकता या कर सकती हूँ सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो जहाँ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अब ऑल दिस थिंग्स सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ओके सो सी इन इंडिया अगर आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड मेजोरिटी ऑफ लाइक यूनिवर्सिटीज़ सो यूल फाइंड आउट कि ज़्यादातर जगहों पर दे डोंट फोकस मच अपॉन लाइक प्रॉपर रिसर्च एक्सपीरियंस इन द मास्टर्स राइट इफ़ आई जस्ट एक्सक्लूड आई आई टीजाइजर्स जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अगर हम छोड़ दें सिर्फ अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें और वो भी लाइक टॉप यूनिवर्सिटीज़ नहीं जो जितने भी मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप टेन में नहीं आते हैं तो मोस्टली सब जगहों पर ये लाइक दे डोंट फोकस मच अपॉन रिसर्च काइंड ऑफ एक्सपीरियंस या फिर दे डोंट फोकस मच अपॉन कि वो आपको रिसर्च एक्सपीरियंस दें वहाँ थेरी पे ज़्यादा इन फोकस दिया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत लिमिटेड होती है बहुत लिमिटेड दी जाती है एंड आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम जिसके पास थेरी नॉलेज ज़्यादा थी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम थी बिफोर आई ज्वाइन माई पी एच डी सो अगर मैं पूछूँ कि क्या रिसर्च एक्सपीरियंस होने का क्या इसका कोई एडवांटेज है पी एच डी में तो एज़ टिल टिल दोर पी एच डी इंटरव्यू जब तक आप इंटरव्यू में नहीं जाते हो बाकी जो प्रोसेस होते हैं लाइक एंट्रेंस एग्जाम जब आप अप्लाई करते हो वो सारी चीज़ों में वो सारे लाइक स्टेप्स में शायद इतना इफेक्ट नहीं पड़ता हो बट जब आप इंटरव्यू में जाते हो तब थोड़ा इफेक्ट पड़ता है एक बंदा या एक स्टूडेंट जिसका जिसके पास ऑलरेडी है रिसर्च एक्सपीरियंस सेम फील्ड में और वो उसी फील्ड में अगर पी करना चाहता है तो ऑफकोर्स उसको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलती है कंपेयर टू द अ पर्सन जिसके लिए सारी चीज़ें नहीं हैं बट ऑल इन ऑल जब आप पी ज्वाइन करते हो तो आपका जो पहला एक साल होता है फर्स्ट वन ईयर होता है दैट गोज़ इन कोर्स वर्क और कोर्स वर्क में आपको जनरली सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर योर पी या आपको रिसर्च के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी मेजोरिटी ऑफ चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या आपके पास प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पी नहीं कर सकते या आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा हाँ ऐसा होगा कि जिसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है वो हो सकता है वो थोड़ा सा उसके लिए इजी होगा चीज़ें ग्रहप करना थोड़ा सा आपसे एक स्टेप आगे चलेगा वो बट वो सारी चीज़ें शुरू के एक साल तक या दो साल तक होती हैं जैसे ही एक दो साल निकलते हैं पीएचडी के सब लोग लगभग एक स्टेज पे आ जाते हैं ठीक है सबको लगभग एक लेवल की लाइक like वो नॉलेज या कह लो एक एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कंसेप्ट की और उस पर्टिकुलर फील्ड में क्योंकि जब आप रिसर्च एक लैब ज्वाइन करते हो तो आपको सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है आप एक उस पर्टिकुलर लेब से रिलेटेड चीज़ें सीखते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस में गए तो आपको लाइक कॉलम सेट कैसे करते हैं टी कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ें जो बार बार करनी होगी रिएक्शन तो ऑफ़ कोर्स थेरी के बेसिस पे हम जज करते हैं कि कैसे ट्रबल शूट करनी है चीज़ें उसके बाद अगर आप फिजिकल लैब में गए तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपको मिल जाएगी विद इन वन ईयर एंड सिमिलरली इन ऑर्गेनिक मे बी काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली इलेक्टील सी एंड कॉलम ये सारी चीज़ें वहाँ भी होती हैं स्पेसिफिकली अगर आप किसी मटेरियल से नैनो में जाते हो तो वहाँ आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सीखनी पड़ती हैं फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी हो गया या कोई ऐसी एक स्पेशल टेक्निक सीखनी होती है जो आप सीखोगे ड्यूरिंग पी एच डी पी एच डी इज़ लाइक उसमें आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं शुरू के कुछ एक या दो साल में और फिर एक बार जब आप सारी चीज़ें सीख जाते हो तो चीज़ें लाइक इट बिकम्स अ लिटिल बिट स्टैगनेंट तब आप चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करना शुरू करते हो तब आप ख़ुद से चीज़ें इंक्लूड uh, करना शुरू करते हो अपने प्रोजेक्ट में सो so, uh, अगर हम वापस क्वेश्चन पे आए कि क्या रिसर्च एक्सपीरियंस का एडवांटेज है तो होता है बट फॉर अ लॉन्गर रन इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है बट स्टिल ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपके पास एक रिसर्च एक्सपीरियंस पहले से मिल जाए तो उससे कुछ तो फ़ायदे और होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पहला सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि हमें पी करनी है भी है या नहीं कई लोगों को लगता है देख करके कि, कि हाँ पी कर सकते हैं हम करेंगे बट जब वो पी एच ज्वाइन करते हैं जो वो रिसर्च ज्वाइन करते हैं जो थेरी और रिसर्च और प्रैक्टिकल सारी चीज़ें बहुत अलग होती हैं जब वो काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें वो प्रेशर वो सारी चीज़ें जब वो देखते हैं बहुत सारे होते हैं जो बीच में छोड़ने का प्लान करते हैं या बहुत सारे होते हैं जो जिन्हें लगता है कि पीएचडी मेरे लिए नहीं थी तो ये आपको एक माइंडसेट तभी बन जाएगा अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है अगर आपने प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस ले रखा है तो आपको ईज हो जाएगी जज करने में कि मुझे पी में जाना चाहिए मेरे लिए अकेडमिक्स या रिसर्च ये सारी चीज़ें हैं या नहीं नाओ ये कहाँ से मिलेगा रिसर्च एक्सपीरियंस जैसे मैंने बोला कि इंस्टीट्यूट खुद प्रोवाइड करते हैं आई आई में अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं वेल एंड गुड आपके करिकुलम में खुद ही होगा लास्ट के सिक्स मंथ या वन ईयर आप प्रोजेक्ट करोगे अंडर अ पर्टिकुलर लैब तो ऑफ कोर्स आप चीज़ें सीखोगे वहाँ पर दैट इज़ वन थिंग बट अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट से जहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसा लाइक like, करिकुलम नहीं है इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो ठीक है तो जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइक समर इंटर्नशिप्स और लाइक अलग अलग विंटर इंटर्नशिप समर इंटर्नशिप दोनों होते हैं अभी समर इंटर्नशिप्स के फॉर्म निकले आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट सो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा प्लीज़ उसको वॉच कर लेना देख लेना उसको आप वहाँ आपको पता चल जाएगा कितने इंटर्नशिप्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं अब रही बात उन बच्चों की जिन जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है उनके लिए इंटर्नशिप्स नहीं होती उनके लिए होता प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन तो अगर आप आपको अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो और अगर आप पी जाने से पहले सोच रहे हो कि मैं एक्सपीरियंस ले लूँ या मैं पी एच ज्वाइन करने से पहले ये सीख लूँ कि कैसे या आपके अंदर डाउट है कि मैं पी में जाऊँ या नहीं जाऊँ तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप आ, किसी एक लैब में प्रोजेक्ट असिस्टेंट की तरह से जॉइन कर लीजिए और वहाँ पर आप मास्टर्स पास आउट हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं एक छोटा सा स्टाइपेंट भी मिलता है छोटा नहीं बट हाँ क्वाइट डिसेंट स्टाइपेंट भी मिलता है और आप अपना प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं चीज़ें सीख भी सकते हैं बहुत सारी जगहों पर यह हो जाता है कि आ, वो नेट जे आर एफ़ क्वालिफाइड स्टूडेंट मांगते हैं बहुत सारे जगहों पर नहीं भी मांगते हैं तो आपको अब ये इसका कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है ठीक है कैसे प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए पोजिशन ढूंढनी इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आपको रिलाई करना होगा अपॉन ट्विटर एंड लिंकड इन ठीक है तो आपको उन जगहों पर देखते रहना होगा कि कोई पोजिशन आ रही है या नहीं अगर आ रही है आपके सब्जेक्ट uh, से रिलेटेड या आपके इंटरेस्ट ऑफ़ टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं अगर है तो आप उसको अप्लाई करो और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक रिसर्च एक्सपीरियंस लो प्रायर टू जॉइनिंग पी एच अदरवाइज अगर नहीं है नहीं भी है रिसर्च एक्सपीरियंस और आप पी एच जॉइन डायरेक्टली करना चाहते हो आप कॉन्फिडेंट हो तो आप जा सकते हो उसके लिए एंड जैसा मैंने कहा चीज़ें शुरू के एक दो साल में आपको हो सकता है लगेंगी बट दो साल के बाद एक एक्चुअली एक साल के बाद ही चीज़ें ठीक होने लगती हैं आपको अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही नॉलेज और उतनी ही लेवल पर हो जाती है जितना की दूसरे स्टूडेंट्स को होती है राइट सो आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज इसके अलावा कुछ भी पूछना यू कैन आस्क में इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो सी यू एज इन द नेक्स्ट वन टिलन बाई टेक केयर